हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरदेंद्र कुमार साहू, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स और कॉलेजेस ऑफ कर दिए गए हैं और स्टे सेफ एंड एट होम आप लोगों को कहा गया है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ये जैसे कि आपको पता है, पहले हम लोग क्लासरूम में कंप्यूटर फंडामेंटल एंड पीसी सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर का पेपर है आपका, उस फर्स्ट एंड सेकंड टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पेपर जो था कंप्यूटर फंडामेंटल एंड पीसी सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड पेपर जो था डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड मल्टीमीडिया। दोनों पेपर आपके कंप्लीट कराए जा चुके हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, जिनका हमने आपको प्रॉपर नोट्स दिया है। प्रैक्टिकल पार्ट भी हो चुका है और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यूनिट वाइज करवा दिए थे दोनों पेपर के। फर्स्ट पेपर में भी हमने यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपको नोट डाउन कराया था, और इसी सेकेंड पेपर में भी हमने सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस आपको बताए थे। उसी के आगे हम लोग हमने आपके ग्रुप में कई सारे पीडीएफ्स भेजे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाइए। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस सोल्यूशन एक एक करके भेजा है, आप देखिए समझिए। और ऑडियो भी मैंने कुछ आपको दिए हैं इन व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से, ताकि आपको सिलेबस कंप्लीशन और प्लस रिवीजन में आपके हेल्प मिले। और अभी तो एग्ज़ाम पेपर की कोई डेट नहीं आई आपकी, तब तक थोड़ा सा मैं कुछ बच्चों की और रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्रैक्टिकल पार्ट एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए। तो उसी के बिहेव में हम आज आपको जो वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आपको एमएस ऑफिस पे हम बता रहे हैं, एमएस ऑफिस के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है एमएस ऑफिस। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, लिखे भी होंगे सारी चीज़ें, बट एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। तो एमएस ऑफिस के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि एमएस ऑफिस एक हमने सॉफ्टवेयर पढ़े थे इसके पहले, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कॉन्सेप्ट किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं और क्या उनका यूज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम्स के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है और स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम्स कहा जाता है, और स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस किन से मिलकर बनाए जाते हैं, यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस से मिलकर बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने के बाद हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, और फिर वो प्रोग्राम्स को जब हम बहुत एक प्लेटफॉर्म में कंबाइन कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जिनको हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक टास्क, पर्टिकुलर किसी टास्क को एग्जीक्यूट किया जाता है इन सॉफ्टवेयर के द्वारा, किसी भी समस्या को हल किया जाता है, दैट मीन्स। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर तीन तरह के हमने बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। वैसे मेनली अगर हम बात करें तो दो ही तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो हमें हमारे काम में हेल्प करते हैं, हम कोई काम कर रहे होते हैं उस टाइम हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसी सॉफ्टवेयर के बारे में हमने एग्जाम्पल बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेस्ट एग्जाम्पल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, एनी हार्डवेयर डिवाइस, ड्राइवर्स, जैसे प्रिंटर, स्कैनर आप लेते हो नए, उसको कनेक्ट करने के लिए आप
कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल थ्रू, तो उसके लिए हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ड्राइवर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और डेवलपमेंट फंक्शनैलिटी ऑफ द एनी हार्डवेयर डिवाइस इस कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बारे में हमने बताया था आपको, उसमें से बेस्ट एग्जाम्पल था एमएस ऑफिस। यहाँ तक हमें पहुँचना था कि एमएस ऑफिस क्या है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डायरेक्टली यूजर यूज़ करता है, यूजर हैंडल करता है, उस पर काम करता है। क्लियर। तो एमएस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, इसी को पैकेज भी बोलते हैं, एमएस ऑफिस पैकेज, एमएस ऑफिस बंडल, बिकॉज कि सेट मल्टीपल एप्लीकेशंस का समूह है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये कई एप्लीकेशंस को अपने अंदर रखता है। दैट मीन्स तो इसीलिए इसे सॉफ्टवेयर का बंडल भी कहा जाता है, एमएस ऑफिस बंडल, एमएस ऑफिस पैकेज भी कहा जाता है। पैकेज मीन्स छोटे छोटे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो एमएस ऑफिस जब पहली बार जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली बार 1989 में डेवलप किया। जब 89 में उसने डेवलप किया तो उसने सिर्फ मैक पीसी के लिए, मैक पीसी मींस मैकिंटोश मींस एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसने डेवलप किया। फिर सेकेंड जब इसका 1990 में उन्होंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी एमएस ऑफिस को बना दिया। तो एमएस ऑफिस को जब विंडोज़ के लिए बना दिया गया तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ, और ऑफिस के टास्क सारे काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं। और एमएस ऑफिस के बारे में हम जानते हैं कि एमएस ऑफिस के अंदर मेनली शुरू में जो था एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चार तीन ही प्रोग्राम थे स्टार्टिंग में। फिर एक्सेस आया, फिर आउटलुक, अब बहुत सारे एक्सेस पब्लिशर, कई सारे एप्लीकेशंस एमएस ऑफिस के अंदर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किए गए हैं, जिसके ओनर कौन हैं, बिल गेट्स हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि एमएस ऑफिस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला, मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, GUI प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को एक एक करके देखेंगे, सारे एप्लीकेशंस को। पहले एमएस ऑफिस को देखते हैं कैसे हम लोग ओपन करेंगे, और इसके बारे में हम देखते हैं पहले। तो एमएस ऑफिस को ओपन करने का स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे। पहला तरीका है, एमएस ऑफिस को कई तरह से ओपन, ऑल प्रोग्राम्स में, ऑल एप्स में जाएंगे। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स अगर विंडोज़ 7 है आप में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ से भी हम जा सकते हैं, या कि डायरेक्टली हम विंडोज़ बटन में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कोई भी एमएस वर्ड, एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आ गया, टाइप करेंगे। प्रॉपर तरीका है कि विंडोज़ बटन पे क्लिक करते हैं, विंडोज़ बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स में या ऑल एप्स में, यहाँ पे फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखेगा। यहाँ से हम जो भी एप्लीकेशन, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इसीलिए पैकेज कहा जाता है, ये फोल्डर है एमएस ऑफिस पैकेज है, क्योंकि बिकॉज कि ये बहुत सारे एप्लीकेशंस को अपने अंदर रखता है, इसीलिए इसे पैकेज भी कहा जाता है, एमएस ऑफिस बंडल भी कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, समूह होता है। तो ये देखिए हम एक एक करके पढ़ेंगे, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, और एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। सारे एप्लीकेशंस को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस। थोड़ा फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन अभी अपन एमएस ऑफिस को ओपन करते हैं। एमएस ऑफिस में हम देखेंगे कि पहला प्रोग्राम जो होता है हम लोग सीखते हैं वर्ड, ये हम लोगों ने क्लास में भी किया था एक बार रिवाइज। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक स्क्रीन है। जब हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो पहला स्क्रीन हमारा यही होता है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो होता है ये एक लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है
जहाँ पे तीन बटन होते हैं, क्लोज, रिसाइज या रिस्टोर या मिनिमाइज। तीन बटन होते हैं, क्लोज, रिस्टोर या रिसाइज और मिनिमाइज, तीन बटन हैं। और एप्लीकेशन का नाम है, मीन्स फाइल का नेम होता है, दैट इज़ टाइटल बार। ये कौन सा होता है? पतली लेयर होती है जिसे पट्टी भी कहा जाता है। और ये क्या है? टाइटल बार, जिसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार, जहाँ पे एप्लीकेशन का नाम या वर्ड फाइल का नाम और तीन बटन होते हैं, रिसाइज, क्लोज, मिनिमाइज, तीनों बटन। क्लोज बटन में क्लिक करेंगे हम तो क्लोज हो जाएगा विंडो। रिसाइज, विंडोज़ को स्क्रीन को मिनिमाइज, छोटा बड़ा करना हो, बड़ा स्क्रीन करना हो, छोटा करना हो, तो यहाँ से हम क्लिक करके देखिए छोटा हो गया, बड़ा हो गया। रिसाइज बटन है, रिसेट बटन भी इसी को कहा जाता है। मिनिमाइज टास्क बार में आ जाएगा, विंडोज़ के टास्क बार में आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन। ये देखिए विंडोज़ का ये टास्क बार होता है जहाँ पे एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाता है। अब पुनः हम उसको ओपन कर सकते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकेंड लेयर आपको दिख रही है जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, दैट इज़ मेनू बार। टाइटल बार फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर जो होती है क्या, टाइटल मेनू बार, जिसमें बहुत सारे मेनूज़ डिफाइन किए होते हैं, रखे हुए होते हैं, फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू और पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये क्या है? मेनूज़ हैं जिनसे रिलेटेड कमांड नीचे शो होती हैं। जैसे होम मेनू में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे चेंज होगा, ये रिबॉन्स बोलते हैं इसको, जो हमारे मेनूज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे हमने इंसर्ट मेनू में क्लिक किया तो यहाँ पे चेंजेज होंगे, चेंज हो जाएंगे। इंसर्ट मेनू से रिलेटेड कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। पेज लेआउट में क्लिक करेंगे तो यहाँ भी चेंज, इन द फॉर्म ऑफ आइकॉन एंड इमेजेस, इमेज और आइकॉन के फॉर्म में ये कमांड्स शो होती हैं, जहाँ पे हम इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। देखिए चेंज हो रहा है ये कमांड्स। ये सेक्शन ग्रुप में डिवाइड होती हैं, थीम जैसे हो गया, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, जितनी भी प्रॉपर्टी ग्रुप, पैराग्राफ से रिलेटेड सारी कमांड्स यहाँ पे हैं, अरेंज, ये सारे मतलब ग्रुप्स में डिवाइड होती हैं, जिन्हें रिबॉन्स भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड टूल बार भी कहा जाता है, टूल बार भी कहा जाता है स्टैंडर्ड। क्लियर? फाइल से रिलेटेड, फाइल मेनू में जाएंगे, फाइल मेनू में ये देखिए सेव, सबसे पहला फाइल मेनू होता है, होम मेनू, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे क्या होते हैं, मेनूज बार, मेनूज वर्ड के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड आइकॉन्स के रूप में प्रदर्शित होते हैं। फिर और नीचे आते हैं, ये दो रूलर आपको दिख रहे हैं, ये जो एक पट्टी दिख रही है ये वाली, ये रूलर, इसको हम बढ़ा, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है। रूलर दो तरह के होते हैं, स्क्रॉल बार जैसे हमने बताया था कि दो तरह से होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं जो होता है काम करता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे ये इसको हम पकड़ के यहाँ पे स्क्रॉल भी कर सकते हैं, घटा और बढ़ा भी सकते हैं इसके साइज़ को, जैसे देखिए ये बढ़ा दिया, ये एक वर्टिकल है, ऊपर से नीचे है ये वाला, आप देखिए हमारी स्क्रीन में देखिए, और ये क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ये देखिए क्लियर। ये रूलर हैं दोनों साइड। ये रूलर को हम ऑफ करेंगे तो हट जाएंगे, ऑन करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है। इनको आप प्रॉपर्टी में जाके ऑफ भी कर सकते हैं तो हट भी सकते हैं। फिर और नीचे आते हैं, यहाँ पे लास्ट में होता है स्टेटस बार। देखिए लास्ट में स्टेटस बार होता है, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पेजेस और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेजेस लिखा है, वन ऑफ वन, हमारे डॉक्यूमेंट्स में सपोज डेट 10 पेजेज हैं तो 10 ऑफ 1 ऑफ 10, जिस पेज में हम काम कर रहे होते हैं वो पेज, और टोटल नंबर ऑफ पेजेस की संख्या यहाँ पे शो होती है, और पेजेज में कितने वर्ड यूज किए गए हैं ये भी शो करता है। मीन्स स्टेटस बार ये होता है, ये वर्ड का, एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टेटस बार है। क्लियर? और यहाँ पे हम ये जूम कर सकते हैं, पेज के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, देखिए जूम इन जूम आउट, प्लस माइनस में दिया हुआ है, तो ये हुआ है। और लास्ट में जो एक लास्ट में एक और होता है विंडोज़ का, इसमें जो होता है विंडोज़ का, ये वर्किंग एरिया होता है।
इसे टेक्स्ट एरिया भी कहा जाता है, वर्किंग एरिया है जो बीच का पार्ट है जहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एमएस वर्ड का टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया भी इसे कहा जाता है। क्लियर, ये सारा आपको मालूम चल गया। जो स्क्रीन खुलता है फैला होता है, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, इन्हीं को रिबन्स इन ग्रुप में डिवाइड होते हैं, रिबन्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड आइकॉन्स के फॉर्म में कमांड्स होती हैं, जिन पे हम क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन होगा। तो इनको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले डेटा को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इन कमांड्स को हम कैसे भी एक्शन में ला सकते हैं, कुर्सी में क्लिक करेंगे तो आपके एक्शन होगा। देखिए तो ये कमांड्स को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और तो उसके पहले डेटा को सेलेक्ट करना है। आज मैं बेसिक बता रहा था क्या होते हैं, फिर एक एक मेनूज के बारे में हम पढ़ेंगे, और टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे हम काम करते हैं, माउस और कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, और इस तरह से। ओके, इतना समझ में आया, थैंक यू। और आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, और कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो, पूरे सिलेबस में दोनों सब्जेक्ट में, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड पीसी सॉफ्टवेयर एंड एमएस ऑफिस मल्टीमीडिया डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड मल्टीमीडिया रिलेटेड टू कंप्यूटर सब्जेक्ट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में हो, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी किसी भी टाइप का, आप बिल्कुल डिस्कशन करें और बोलिए कि सर हमें इस टॉपिक में हमें लेक्चर चाहिए, तो मैं वो वीडियो लेक्चर बना के आपको पोस्ट करूँगा। ओके, थैंक यू। इसके आगे कल करेंगे, जो भी डाउट्स होगा आप क्लियर करिएगा। आज बेसिक था, कल थोड़ा सा इसके आगे देखेंगे, एक एक मिनट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।